गाइस, फोर्ट कोची देखने के बाद जैसा कि हमने बताया था, हमें जाना था एलेपूजा यानी कि एलेपी। तो हम अपना एलेपी में पहुँचे और अपनी हाउस बोट में हमने यहाँ से चेक इन किया। चेक इन की टाइमिंग 11 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 12 बजे भी होती है, कुछ 1 बजे भी होती है। हम यहाँ पर 1:30 बजे के करीब आए थे, तो बीच में इन्होंने एक पॉइंट से हमें यहाँ पे अपनी बोट में चेक इन करवा दिया था। गाइज, ये जो हाउस बोट थी ये 9,000 रुपीज़ की हुई थी। दशहरा का लॉन्ग वीकेंड था, इस वजह से थोड़ा सा 1-2 हज़ार महंगा हुई थी। हाउस बोट का जो प्राइस है वो 6,000 से लेके 50,000 तक जाता है, डिपेंड करता है किस कैटेगरी की हाउस बोट है। हमारी एक मीडियम टाइप की एक हाउस बोट थी जिसमें 3 रूम थे, और जो हमारा रूम था वो आपके सामने अभी उसका वीडियो चल रहा है। हाउस बोट ठीक थी हमारी और ज़्यादा रश नहीं था इसमें। लकीली हमारे अलावा एक कपल था और एक फॉरनर था जो कि अपने कमरों में ही थे, ज़्यादा उन्होंने बाहर हमें डिस्टर्ब नहीं करा, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी प्राइवेट हाउस बोट है। गाइज, हर हाउस बोट में आपको वो लंच प्रोवाइड कराते हैं, फिर आपको वो शाम की चाय देते हैं विद स्नैक्स, और फिर रात को वो आपको डिनर देते हैं। इनका जो टूर होता है वो दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलता है। उसके बाद वो शाम को एक किनारे पे अपनी हाउस बोट लगा देते हैं, फिर अगले दिन मॉर्निंग में 6 बजे वो फिर से चलाते हैं और 9 बजे तक उसको चलाते हैं, और 9 बजे आपको चेकआउट करना होता है। मील्स आपकी इसमें लंच होता है, इवनिंग स्नैक्स होते हैं, डिनर होता है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है। तो ये सब होता है ओवरऑल एक हाउस बोट के पैकेज में। हाउस बोट को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिस तरह से आप कोई होटल बुक करते हैं MMT पे या गोआईबीबो पे या फिर और भी बहुत सारी साइट्स हैं, इस तरह से आप हाउस बोट को भी बुक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप जिस वहाँ पे खुद जाके भी एक चेक करके हाउस बोट को बुक कर सकते हैं, पर किसी अगर आप रश वाले टाइम पर जा रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए। आप किसी टैक्सी ड्राइवर से या फिर वहाँ के लोकल रेजिडेंट से भी रेफरेंस लेके हाउस बोट को बुक कर सकते हैं। अपने इस टूर के बीच में वो एक टक शॉप पे भी रोक लेते हैं, जहाँ पे आप पानी, कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ चिप्स वगैरह ले सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे रोका था, तो हमने एक नारियल पानी लिया। एक ऑरेंज कलर का नारियल यहाँ पे नज़र आ रहा था जो कि हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगा, तो वो हमने लिया, जो कि मात्र 50 रुपये में उन्होंने हमें दिया। What is that? Okay, balls. शाम हो गई और बोट हमारी साथ में लग गई, तो हमने बोट से उतर के सोचा कि साथ में जो विलेज है उसको जरा थोड़ा सा देख लें। ये जो सामने किनारे पे हाउस बोट है ये हमारी थी, और भी बहुत सारी हाउस बोट यहाँ पे किनारों पे लगी हुई थी, तो ये इनका पॉइंट था जहाँ पे इनको रोकना था। ये वो गांव है जो हमने उतर के देखा था एलेपी का। यहाँ पे काफ़ी खेती वगैरह हो रखी थी, और इन्हीं खेतों के बगल में इन्होंने अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए थे। ज़्यादा कुछ यहाँ देखने को था नहीं, इसलिए हमने फैसला किया कि वापस चलते हैं अपनी बोट की तरफ। गाइज, एलेपी बैक वाटर्स का एक्सपीरियंस वंस इन ए लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है, इसको मिस मत करना। आप हाउस बोट में स्टे लेने के बजाय आप डे टूर भी कर सकते हैं, और नॉर्मल शिकारा भी चलते हैं जो कि आप बैक वाटर्स को उससे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जहाँ हमारी हाउस बोट थी उस किनारे पे कुछ रिजॉर्ट भी थे, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना स्टे बुक कर सकते हैं। ये सब घूमने के बाद अंधेरा हो गया था, फिर हम अपने हाउस बोट पर गए रात के डिनर के लिए। फूड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खाना इतना अच्छा होगा, पर खाना काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी पसंद आया। आने जाओ।
होता है। चलो नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे हमने चेकआउट किया और हमारी हाउस बोट वालों ने ही एक ऑटो हमारे लिए बुला दिया। उस ऑटो वाले ने 250 रुपये दिए और हमें इस एलएपी बीच पे ले आया। एलएपी बीच देखने के बाद केरला की हमारी जर्नी ख़त्म हो गई। इसके बाद हम निकले कोची पोर्ट के लिए, जहाँ से हमारा कोर्डेला क्रूज़ का सफ़र शुरू होना था, जो कि कोची से लक्षद्वीप जाता और लक्षद्वीप से वापस मुंबई आता। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कोर्डेला क्रूज़ का एक्सपीरियंस, हमने क्या क्या वहाँ पे किया और कैसे हम वहाँ से लक्षद्वीप की तरफ पहुँचे। तो हमारे इस वीडियो चैनल को देखते रहें और एंजॉय करें घूमी घूमी के वीडियोज़ को। बाय बाय, टेक केयर।